नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार स्टेट पावर से 2610 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से है आवेदन शुरू। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं परीक्षा की डेट शीट का किया ऐलान। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम नीतीश के उप सचिव बने राजीव रंजन सिन्हा। बिहार में जमाबंदी और वंशावली के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने की तैयारी। देश में इस तरह से तय होता है ट्रेन के टिकट का किराया। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सीबीआई से सच्चाई बताने की अपील। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्टेट पावर में 2610 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से आवेदन है शुरू। वैसे उम्मीदवार जो रोजगार की तलाश में है उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिजली विभाग में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा 2600 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 1500 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें इस आवेदन के लिए महज 375 रुपये ही देने होंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि जो लोग आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें इसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं परीक्षा की डेट शीट का किया ऐलान। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं वार्षिक परीक्षा की डेट शीट का ऐलान कर दिया है। परीक्षा के लिए विषयवार सूची जारी की गई है। इसके अनुसार कक्षा 11वीं की परीक्षा 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगी। वहीं 9वीं का एग्जाम 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा। 11वीं की परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। भौतिकी और राजनीति विज्ञान के पेपर के साथ 11वीं की परीक्षा की शुरुआत होगी। वहीं इतिहास और गृह विज्ञान के साथ पेपर खत्म होगा, जबकि 9वीं की परीक्षा मातृभाषा और सामाजिक विज्ञान से शुरू होकर ऐच्छिक विषय के साथ खत्म होगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पटना के गोलघर के बारे में। वर्ष 1770 में भयंकर सुखाड़ आई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। इसी के बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गोलघर बनाने की योजना बनाई थी ताकि इसमें अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। इस गोलघर में उस दौरान करीब 1,40,000 टन अनाज रखने की क्षमता थी। हालांकि अब ये गोलघर लोगों के लिए एक ऐतिहासिक इमारत के नाम पर पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ये राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है, जिसका आकार 125 मीटर और इसकी ऊंचाई 29 मीटर के करीब में है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई स्तंभ नहीं है, ये गोलाकार में है, इसलिए भी लोग इसे गोलघर के नाम से जानते हैं। इस गोलघर पर चढ़कर आप पटना के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम नीतीश के उप सचिव बने राजीव रंजन सिन्हा। बिहार में 4 जिलों के कप्तान समेत 8 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। खगड़िया, वैशाली, अरवल और किशनगंज जिले के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। गृह विभाग द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। चंदन कुशवाहा खगड़िया के नए SP होंगे। वहीं हरकिशोर राय वैशाली, राजेंद्र कुमार भील अरवल, डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू किशनगंज के SP नियुक्त किए गए हैं। राजीव रंजन सिन्हा को मुख्यमंत्री सचिवालय का उप सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं विधु भूषण चौधरी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। बिहार में जमाबंदी और वंशावली के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने की तैयारी। बिहार में अब जमीन की खरीद और बिक्री करना आसान नहीं रह गया है, जिसके नाम पर जमीन की जमाबंदी होगी वही लोग जमीन को बेच सकेंगे। वहीं पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं होने के कारण जमीन की खरीद बिक्री में कमी आई है। नए नियमों के आने के बाद विभाग की ओर से तैयारी की गई है। सरकार के आदेश पर जमाबंदी और वंशावली के काम में तेजी लाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं अपने वार्ड सदस्य से आवेदन लेकर वंशावली बनवाई जा सकती है। आवेदन में जानकारी दर्ज कर इस जोनल कार्यालय में जमा करना होता है। शिविर में भी आवेदन को जमा किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन स्थापित हो जाता है। टैलेंट सर्च टेस्ट प्रतियोगिता परीक्षा में करें आवेदन। टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की तिथि 8 मार्च तक है। इससे पहले अभ्यर्थी 6 मार्च तक आवेदन कर सकते थे। मालूम हो कि 82,397 अभ्यर्थियों ने अब तक इसके लिए आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग और मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पंजीकरण के लिए किसी भी तरह की कोई शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bmsbihar.org पर इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के करीब 50 अफसर भेजे जाएंगे बाहर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य में 40 लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही 20 पुलिस ऑब्जर्वर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं बिहार के करीब 56 अफसरों को बाहर भेजा जाएगा। इसमें 32 आईएएस अधिकारी और 24 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। इन पदाधिकारियों की 10 और 11 मार्च को ट्रेनिंग होगी। इस प्रशिक्षण में 22 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं 22 लोग वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, जबकि बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 11 खाली सीटों का निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 पदाधिकारियों को तैनात कर लिया है। देश में इस तरह से तय होता है ट्रेन के टिकट का किराया। देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में ट्रेन का संचालन होता है। वहीं ट्रेन के सफर के दौरान टिकट लेना अहम होता है। अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं होगा तो सफर के दौरान आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। मालूम हो कि ट्रेन के टिकट का किराया तय होने में किलोमीटर एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर दूरी अधिक होती है तो किराया भी अधिक होता है। इसके अलावा ट्रेन में मिलने वाले सुविधाओं के आधार पर भी टिकट के किराए को तय किया जाता है। इसके साथ ही ट्रेन की गति के आधार पर भी किराया कम ज़्यादा होता है। वहीं ट्रेन का किराया बस या अन्य निजी वाहनों की तुलना में काफ़ी कम होता है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सीबीआई से सच्चाई बताने की अपील। सुशांत सिंह राजपूत की बहन का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो सीबीआई से सच्चाई बताने की अपील कर रही हैं। एक्टर की बहन इंटरव्यू के बाद फैंस सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कहा है कि उनके भाई के साथ वास्तव में ये क्या हुआ था, इसके बारे में सीबीआई को जानकारी देनी चाहिए। सुशांत अब कभी अपने कमरे में ताला नहीं लगाते थे, तो उस दिन उनके कमरे में ताला क्यों लगा था, इसकी चाबी कहाँ गई, कई बातें आपस में मेल नहीं खा रही हैं, इसलिए सीबीआई को इसकी जानकारी देनी चाहिए। बिहार में यूनिवर्सिटी के खातों से हटी रोक। बिहार में विश्वविद्यालयों के खातों से फिलहाल रोक को हटा दिया गया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 9 मार्च को फिर से सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और कुल सचिवों की बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले यूनिवर्सिटी के खातों से रोक को हटा दिया गया है। इसके अलावा पिछली मीटिंग में नहीं आने वाले वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को भी खारिज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें पुराने आदेशों को याद दिलाते हुए कहा गया है कि फिलहाल बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के आगामी बैठक की सभी को जानकारी दी गई है। बिहार में कई आईपीएस अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। बिहार में करीब 55 आईपीएस अफसरों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके बाद इस संबंध में गृह विभाग ने डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखा है। साथ ही जानकारी दी है कि अफसरों को 29 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था। गृह विभाग की ओर से संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई है। मालूम हो कि 31 जनवरी 2024 को डीजीपी आरएस भट्टी समेत कई डीजी रैंक के अधिकारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इसमें आरएस भट्टी ने अपने पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी की बात सामने आई थी। इसकी कीमत 80 लाख है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे हरि उप्पल के बारे में। ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और शास्त्रीय नृत्य अकादमी भारतीय नृत्यिका मंदिर के संस्थापक थे। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 22 सितंबर वर्ष 1926 को हुआ था। इनकी प्रसिद्धि कथक कली और मणिपुरी नृत्य में थी। इन्हें इनके क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2 जनवरी वर्ष 2011 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। बेगूसराय में 11 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन। बेगूसराय में 11 मार्च को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां 30 लोगों की बहाली ली जाएगी। इनकी सैलरी 15,000 रुपए तक की होगी। श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग से इस जॉब कैंप का आयोजन हुआ है। जिले के पनहास चौक के पास आईटीआई परिसर स्थित श्रम संसाधन के कार्यालय में जॉब कैंप का आयोजन हुआ है। इसमें 20 से 30 साल के युवा भाग ले सकते हैं। इनके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन और केवाईसी सर्टिफिकेट भी युवाओं के पास होना चाहिए। वहीं एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बेतिया को पीएम मोदी ने दी 12,800 करोड़ योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 12,800 करोड़ योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच एक एलपीजी लाइन और इंडियन ऑयल का एक एलपीजी बॉटलिंग और भंडारण संयंत्र का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने लालू यादव को लेकर कहा है कि जंगल राज के दौरान पलायन हुआ है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता है।
पीएम ने कहा है कि वो लोगों की सच्चाई बताते हैं तो उन्हें गाली दी जाती है। एक एक नौकरी के बदले राजद ने जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। पटना और सिलीगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। पटना और सिलीगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसकी रैक जल्दी ही पहुंचने वाली है। ये ट्रेन पटना से सिलीगुड़ी के बीच चलेगी। ये 471 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करेगी। सिलीगुड़ी से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह के 6 बजे चलेगी, जबकि दोपहर के 1 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 3 बजे चलकर रात के 10 बजे सिलीगुड़ी पहुंचेगी। इस ट्रेन की शुरुआत हो जाने से पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके आपस में जुड़ेंगे। इसके साथ ही लाखों लोगों को यात्रा के दौरान आसानी होगी। लोगों को सहूलियत का ख्याल रखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन की शुरुआत करने का फैसला लिया है। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव। बसंत की शुरुआत के साथ ही पछुआ हवा भी देखने को मिल रही है। दिन में निकली कड़ी धूप के कारण प्रदेश का तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा। हालांकि रात में हल्की ठंड का सिलसिला अभी भी जारी है। रात होते ही प्रदेश के तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। शहीद की बहन की शादी में 16 गरुड़ कमांडो भाई ने हथेली बिछाकर दी विदाई। बिहार के रोहतास जिले में एक शानदार शादी देखने को मिली है, इसकी सभी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक शहीद की बहन की शादी में 16 गरुड़ कमांडो भाई ने हथेली बिछाकर विदाई दी है। शहीद कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की बहन सुनीता की शादी में 16 गरुड़ कमांडो शामिल हुए थे। इनके हथेली पर पांव रखकर दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए पहुंची थी। इस दृश्य को देखकर सभी लोग भावुक हो गए, साथ ही सभी एक अनोखी शादी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहीद कमांडो की दूसरी बहन की शादी जब साल 2019 में हुई थी, उस दौरान 11 कमांडो ने उस बहन को भी हथेलियों पर ही वरमाला के लिए भेजा था। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय थाना इलाके से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 42,000 कैश के अलावे ठगी की घटना को अंजाम देने से संबंधित दस्तावेज और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 स्मार्टफोन को भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों आरोपी नालंदा जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को मेडिकल जाँच के बाद जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड की तलाश कर रही है, साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार विधान परिषद की सीट के लिए भाकपा माले ने किया प्रत्याशी का ऐलान। आगामी चुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि उनकी पार्टी की ओर से बिहार विधान परिषद सीट पर शशि यादव प्रत्याशी होंगे। मालूम हो कि बिहार विधान परिषद की 11 खाली सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होगा। उसी दिन चुनाव परिणाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। 6 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन, खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, संजय झा आदि नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जीतनराम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिया अपडेट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की बैठक होगी और इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीट से चुनाव के मैदान में होगी। वहीं हम पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जीतनराम मांझी ने कहा है कि फिलहाल इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मीटिंग होने के बाद वे इस पर कुछ कह सकेंगे। 2 से 3 दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1987 को सुनील गावस्कर 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले क्रिकेट बल्लेबाज बने थे। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत और पाकिस्तान आतंकवाद पर जांच में मदद के लिए तैयार हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की थी। आज के दिन भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का वर्ष 1955 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1939 में भारत के प्रसिद्ध पुरातत्व वेदा जयराम सहनी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का निधन हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। सोशल मीडिया के जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में खबर आई है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनपढ़ से लेकर 12वीं पास तक को 8,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस खबर को
KL ऑनलाइन स्टडी नाम की एक यूट्यूब चैनल द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई पीएम इंटर्नशिप योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। बार बार अटक रहा यूपीआई पेमेंट जाने क्यों? आज के समय में पैसों का लेन देन काफी आसान हो चुका है। बैंकिंग से जुड़ी कई कामों को हम अब घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। पैसों के ऑनलाइन लेन देन के लिए भारत में यूपीआई की शुरुआत हुई थी, जिसने हम सभी के काम को पहले से और आसान बना दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई से लेन देन के दौरान कई बार हमारे पेमेंट्स अटक जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले यूपीआई पेमेंट लिमिट को चेक करना। यदि आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन के कुछ लिमिट होते हैं। कई बार बैंक के सर्वर के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने यूपीआई आईडी को एक से अधिक बैंक अकाउंट के साथ लिंक रखें। कई बार गलत यूपीआई पिन डालने पर भी पेमेंट अटक सकता है, या इंटरनेट की परेशानी के कारण भी इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा इसरो। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन को दो चरण में लॉन्च किया जाएगा। मानव को चंद्रयान पर भेजने के लिहाज से ये मिशन काफी खास है। चंद्रयान 4 चांद पर लैंड करेगा, इसके साथ ही सैंपल को लेकर ये धरती पर वापस लौट जाएगा। चंद्रयान 4 में 5 स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे। इसे 2 रॉकेट की मदद से 2 चरणों में लॉन्च करने की योजना है। चंद्रयान 4 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलावे 2 अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे। पटना में बीसीए ने क्रिकेट संचालन के लिए आदेश किया जारी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पटना में क्रिकेट के संचालन के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार पटना में क्रिकेट के संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है। नितिन अभिषेक के समिति के संयोजक बनाए गए, वहीं रैबर आबदीन और कृष्ण मुरारी इस कमेटी में सदस्य के रूप में काम करेंगे। ये फैसला लिया गया है कि सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग की 10 मार्च से शुरुआत होगी, वहीं जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग का 17 मार्च से शुभारंभ होगा, जबकि जल्द ही दोनों लीग के कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नरपतों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है पुनेरी पल्टन ने, ऑप्शन बी है पटना पायरेट्स ने, ऑप्शन सी है पुणे वॉरियर्स ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पुनेरी पल्टन ने। किसने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन बी है पीएम मोदी ने, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी ने, ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव ने। इसका सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है फ्रांस। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी है बसंती चंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है सर अली इमाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर अली इमाम। महेश नारायण किसके संपादक थे? ऑप्शन ए है बिहार हेराल्ड के, ऑप्शन बी है बिहार टाइम्स के, ऑप्शन सी है पायोनीर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बिहार टाइम्स के। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, रीना कुमारी, सुकुमार सिंह बादल, सुशील कुमार मोदी, पीयूष कुमार, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, सादुल्ला पालवी, पंचम वर्मा, जूली कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र सानी, आशीष ओझा, कर्म बाबू, कृष्णा प्रसाद, आयुष रैना, गोविंद प्रसाद गुप्ता, वर्षा झा, अरविंद कुमार मंडल, आलम हाफिज, रामनवमी मांझी, रंजीत मिश्रा, मोतीलाल कुमार, राजेश कुमार मांझी, गोनर शर्मा, नितेश कुमार,
गौरी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पीएम मोदी के द्वारा लालू राज को जंगल राज बताए जाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।